हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एके जी ड्राइंग स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक ब्लॉक। इस ब्लॉक का हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल में बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक्स वाई रेखा खींचेंगे और एक्स वन वाई वन रेखा खींचेंगे, ठीक है। और हमें इसे थर्ड एंगल में बनाना है। तो थर्ड एंगल में बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि फ्रंट व्यू कहाँ बनाए, यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए। तो इसे कॉमन सा एक रूल है, आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रंट व्यू यदि राइट साइड में दिया है तो राइट में बनेगा, यदि लेफ्ट में दिया है, यदि यहाँ फ्रंट व्यू दिया है तो लेफ्ट में बनेगा। कभी भी थर्ड एंगल में एक्स वाई रेखा के नीचे फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा क्योंकि ये राइट में दिया है, ये राइट हैंड है हमारा, ये राइट हैंड है तो राइट में बनेगा फ्रंट व्यू। लेफ्ट हैंड ये है तो लेफ्ट ये है, राइट ये है, राइट में दिया है तो राइट में बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। यदि लेफ्ट में दिया रहता, यहाँ फ्रंट व्यू दिया होता तो यहाँ पर बनता, ठीक है। तो एक्स वाई रेखा के नीचे कभी भी बनता है फ्रंट व्यू, उसके ऊपर यहाँ पर फ्रंट व्यू आपका बनेगा, यहाँ पर टॉप व्यू बनेगा आपका, यहाँ पर साइड व्यू बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमें फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है। फ्रंट व्यू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 40 दिया है और ऊपर भी आपका 40 है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में हमें ये चीज़ दिख रहा है जो हमने ये हैचिंग किया है, ये चीज़ हमें फ्रंट व्यू में दिख रहा है, ठीक है। साइड व्यू में हमें ये चीज़ दिख रहा है और ये दिख रहा है, और टॉप व्यू में हमें ये वाइट वाला और ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 40 है, तो हम 40 रेखा खींचेंगे, और ये ऊँचाई कितना है, 40 है। तो यहाँ से हम यहाँ तक 40 खींचेंगे सबसे पहले। देखिए 40 लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद देखिए ये कितना है, ये 20 है, क्योंकि ये पूरा 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 20 दिया, तो ये भी 20 ही होगा। तो 20 हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 40 है, तो ये 20 और ये 20 होगा, ठीक है। तो 20 हमें अंदर जाना होगा, उसके बाद ये बन गया हमारा, और ये 20 ये बन गया, और 20 हम अंदर आ गए, अब 20 ये फिर ऊपर जाना है। बीस ऊपर चले गए, फिर ये हमारा डिस्टेंस 20 है, फिर इसे 20 बनाएंगे हम, और ये नीचे मिला देंगे इसे, एक्स्ट्रा लाइन जो है उसे मिटा देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे, टॉप व्यू भी बना सकते हैं, साइड व्यू भी बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो हमारा टॉप व्यू में देखिए क्या दिखेगा, टॉप व्यू हम पहले बनाते हैं। टॉप व्यू में हमें ये चीज़ दिखेगा और ये दिखेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस दिया है 40, यानी ये आपका डिस्टेंस 20 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका 20 है। तो 20 20 40 ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई होगी 20 20 प्लस 20 40 हो गया, ठीक है। और ये चौड़ाई देखिए यहाँ पर दिया है 25, यानी यहाँ से यहाँ तक 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, यानी ये भी 25 है, तो यानी चौड़ाई 25 है। तो कभी भी हम ये फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करने से पहले एक साइड में यहाँ से यहाँ तक 10 mm रेखा हम छोड़ के बनाते हैं, 10 mm इधर, 10 mm इधर, 10 mm ऊपर। एक हल्की रेखा आप पहले ही ड्रॉ कर लेंगे, उस हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है, फिर आप इसे मिटा देंगे बाद में। तो पच्चीस ये है और 40 ये है, ये हमने 40 खींच लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये 25 यहाँ से यहाँ तक, ये 25 मैंने खींच लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 हम अंदर जाएंगे, 20 हमारा ये हो गया,
इसे हम मिला देंगे, एक्स्ट्रा लाइन हम मिटा देंगे। ये हमारा टॉप व्यू बन गया। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। अब साइड व्यू हम बनाएंगे। साइड व्यू हमें क्या चीज़ दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये चीज़ दिख रहा है। तो साइड व्यू हम देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 25 है। तो 25 रेखा खींचेंगे, दस बीस पाँच 25 25। फिर ये देखिए, ये हमारा डिस्टेंस ऊपर कितना है, 20 है। यानी यहाँ से यहाँ तक दिखा है आपका 20 लिखा है, ये 20 40 है। 40 ऊपर जाएंगे, 10 20 30 40, ठीक। इधर भी 40 जाएंगे, फिर यानी 20 ऊपर गए हैं, तो 20 यहाँ से ऊपर ले लेंगे। देखिए हमारा साइड व्यू बन गया, ये चीज़ जो चीज़ दिख रहा है वो हमारा साइड व्यू बन गया। फ्रंट व्यू हमारा बन गया, टॉप व्यू बन गया। एक्स्ट्रा जितने लाइनें हैं सब हम मिटा देंगे। एक्स्ट्रा लाइन सब मिटा के उसके बाद ये हम डिस्टेंस दिखाएंगे, डिनोट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने ये लाइन खींचा है और ये अच्छे से तीर बना देंगे, तभी हम डिनोट कर पाएंगे कितना कौन सा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, हमारा तीर बन गया है सब। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा फ्रंट व्यू में दिया है 40, यहाँ 40 लिखेंगे। फिर ऊपर हम कितना गए हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। फिर ये टॉप व्यू में हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 है, ये पूरा 40 है, तो 20 ये 20 ये है, तो 20 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 20 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। साइड व्यू हमारा देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 25 है, 25 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। और ऊपर कितना गए हैं, ये 20 है और ये 20 है, तो 20 20 लिख देंगे, ठीक है। ये इतना आप लिखने के बाद यहाँ पे हम ये आल डाइमेंशनल हमारा इन एमएम में है, तो ये इसे यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आल इन एमएम, आल डाइमेंशनल इन एमएम, ये आपका लिखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू आपका हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, ठीक है। आप अच्छे से एक बार और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बता रहे हैं ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपका दिया है। कभी भी थर्ड एंगल में पूछेगा तो एक्स वाई रेखा के नीचे बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक है। राइट में दिया है तो राइट में बनेगा, लेफ्ट में दिया है तो लेफ्ट बनेगा। यदि यही फर्स्ट एंगल में पूछता है, यदि क्वेश्चन यही बनाएगा कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में बनाइए, तो क्या करेंगे। फर्स्ट एंगल में कभी भी ये देखिए राइट में दिया है फ्रंट, तो लेफ्ट में बनेगा। फ्रंट राइट में दिया है तो लेफ्ट में बनेगा। यदि लेफ्ट में भी फ्रंट देगा तो राइट में बनेगा, एक्स वाई रेखा के ऊपर बनता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर।